हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आपका कोई हार्ड डिस्क ड्राइव है वो ख़राब हो जाता है या आपके हाथ से गिर जाता है, गिरने से उसके ऊपर जो हेड लगा होता है उसको रीड करने के लिए, जैसा आपने पुराने समय में जो लोग म्यूजिक सुनते थे। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप का फोनोग्राम है हम लोग यूज़ करते थे, तो उस पर एक बड़ी सारी सीडी डालते थे और उसको रीड करने के लिए ऊपर एक वो सेंसर डालते थे ताकि उसके ऊपर जो भी सिस्टम है वो उसको रीड कर सके। वैसा का वैसा सिस्टम होता है HSD हार्ड डिस्क के अंदर। यदि आपकी हार्ड डिस्क है वो पढ़ने से उसका ऊपर वाला जो हेड होता है जो उसको रीड करता है वो यदि साइड में हो जाए या डैमेज हो जाए तब हम लोग उसको वापस कैसे चेंज करेंगे। तो हार्ड डिस्क को आप जैसे ही पीसी के अंदर कनेक्टेड करोगे तो उसके अंदर कट कट की आवाज़ आएगी, इसका मतलब जो हेड है वो या तो आउट हो गया है या ख़राब हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि यदि आपकी हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो जाती है तो उसको हम लोग घर पर ही वो कैसे ठीक करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है और इसका ऊपर वाला जितना भी कवर है ये सारा का सारा है वो हटाना है। तो मैंने ये सारे स्क्रू है वो पहले से ही यहाँ पेज से वो निकाल लिए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा कवर है वो अपने को हटाना है, ऊपर वाला जितना भी कवर है। तो चलिए मैं पहले इस कवर को हटा लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। पर ध्यान रहे, जब इस हार्ड डिस्क को ओपन करो तब हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन लेना ताकि उसके अंदर जो डिस्क है उस पर किसी भी प्रकार के स्क्रेच न लगे, जिससे आपके डेटा रिकवर होने में प्रॉब्लम न हो। कभी ऐसा हो जाता है कि हेड है वो टूट भी जाता है तो हम लोगों को नया हेड लगाना पड़ता है हार्ड डिस्क के अंदर, तब डाटा रिकवर में प्रॉब्लम आती है जब आप डिस्क के ऊपर हाथ है वो लगा देते हो तब। तो चलिए पहले मैं इसको आपको कवर को हटा देता हूँ, उसके बाद साइड वाले कवर को ऊपर वाला जो सीट है वो आराम से वो खुल सके। तो ये बाकी कवर कवर हटा दिया है, अब इस हार्ड डिस्क को वो खोलने का काम करना है। तो मैं इस हार्ड डिस्क को वो यहाँ से खोल देता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये वाला पेज है वो आपको ओपन करना है। तो ये जितने भी स्क्रू है वो सारे के सारे वो निकालना है। ध्यान रहे, ये स्क्रू है वो आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है। और ये जो स्क्रू है जो इस वाले लगे हुए हैं इस सिस्टम के, बस उतने ही निकालने आते हैं। और ये स्क्रू है वो नहीं खोलना क्योंकि ये सारा हेड के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाकी सारे हम वो ओपन करते हैं सारे के सारे। और इसके अंदर जितना भी सिस्टम आएगा वो सारा का सारा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर वो दिखाऊंगा। तो ये स्क्रू है वो सारे के सारे ओपन कर लेते हैं। अब कितने 2 और बचे हैं, ये इससे नहीं खुलेगा। तो ये सारे के सारे स्क्रू वो मैंने निकाल लिए। एक स्क्रू और रहा है ये वाला, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये तो अब सारे के सारे स्क्रू वो खुल गए हैं। अब आपको सबसे पहले अपने हाथ पे वो इस टाइप के ग्लव्स आते हैं वो हाथ पे पहन लेने हैं ताकि डिस्क के ऊपर किसी भी प्रकार का स्क्रेच है वो मैं लगे। बाई चांस हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाती है लेकिन डिस्क है वो अपनी सही रहती है, हम डाटा है वो रिकवर कर सकते हैं अपने, आप डिस्क पे किसी भी प्रकार का स्क्रेच न लगाएं। तो चलिए मैं पहले ये पहन लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। वो पहन लिए हैं, आप
को भी ध्यान रखना है, जब आप डिस्क को खोलो तब सिंपल हाथों से इस डिस्क को ओपन नहीं करना है, सिंपल हाथों से इस डिस्क को ओपन नहीं करना है। यदि आप सीधे डायरेक्ट हाथों से उसको ओपन करोगे तो उसमें स्क्रैच है। आप लोग देख रहे हैं इस वाली हार्ड डिस्क के अंदर ये हेड है, वो इससे नीचे आ चुका है। पुराने समय के अंदर फोनोग्राम के ऊपर लगता था, मैं अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। वैसे ही इसी के अंदर ही ये ऊपर हेड लगा हुआ है और ये हेड है वो सारा इसके अंदर जितने भी डेटा होता है वो सबको रीड करता है और अपने को कंप्यूटर के अंदर शो करता है। तो मेन जो डिस्क है वो ये है। बाई चांस कभी आपकी हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाए तो ये वाला जो सिस्टम है वो ख़राब नहीं होता है, इसको हम लोग दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर डाल के भी अपने काम में ले सकते हैं। अब हेड है वो आपके सामने मैंने ओपन किया तो हेड इससे वो है नीचे उतर चुका था। तो कभी क्या हो जाता है हार्ड डिस्क हमारे लोगों से लोग जब भी हाथ में रखते हैं तो इसे गिर जाती है, या तो हेड क्रिप हो जाता है या तो इससे अभी नीचे उतरा हुआ था वीडियो अगर आपने देखा तो नीचे उतर गया। तो इस हेड को मैं वापस इस डिस्क के ऊपर ला के रखूँगा और फिर इसको ऑन करूँगा। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये डिस्क दिखाई दे रही है उसको आपको क्या करना है, आगे पीछे करना है। इससे क्या हो आ चुका है। तो ये हेड है वो यहाँ वीडियो के अंदर आपने देखा है वो नीचे उतरा हुआ था, अब हेड है उसके ऊपर आ चुका है यानी अपनी हार्ड डिस्क से वो कॉम्पीट हो गया। पर ध्यान रहे जब ये हेड यहाँ से क्रैक हो जाता है, मैं आपको थोड़ा वो वीडियो यहाँ से यदि क्रैक हो जाता है या कुछ भी ख़राब हो जाता है तब ये फर्क है वो नहीं करता। यदि हेड का सेंसर भी ख़राब हो गया तब भी उस स्थिति के अंदर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ ये जो हिस्सा है इसको ओपन करना है और एक पुरानी हार्ड डिस्क लेनी है जो हमारी ख़राब हो या हम लोग जिसको काम में नहीं लेते हो, उसका जो हेड है वो हम लोग इसके अंदर है वो लगा देंगे। यहाँ से खोल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में ये पूरा का पूरा हेड है वो यहाँ से निकाल लेंगे और हेड का वायर यहाँ से कनेक्ट करके फिर हेड है वो यहाँ पे लगा देंगे। उसका हेड है वो यहाँ पे हम लोग काम में ले सकते हैं और अपने जितने भी जरूरी डेटा है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हार्ड डिस्क से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखें तो उसके बताइए वो तुरंत। यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जैसे मैंने अभी जस्ट इसको आपको ओपन करके दिखाया था तब ये हेड कहाँ पे था, यहाँ यानी ये हेड इसके डेटा को अभी रिकवर नहीं कर पा रहा था। अब मैंने इस हेड को इसके ऊपर ला के रख दिया तब ये हेड और डेटा को रिकवर कर रहा है। आप और भी बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम है वो देख सकते हो। यहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो भी हम लोग करके चेंज कर सकते हैं। और मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हेड की आती है, जैसे आप हार्ड डिस्क ऑन करोगे तब हल्की हल्की कट कट की आवाज़ आएगी और हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर के अंदर ओपन नहीं होगी, इसका मतलब हेड है उसी में प्रॉब्लम है। तो
चलते हैं, आपको कंप्यूटर के अंदर इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि हार्ड डिस्क से वो रन हो रही है या नहीं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा पिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी पहले तो ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैंने इसमें जो हेड है इसको ऊपर कर दिया डिस्क के, तो शायद काम करे। तो चलिए दिखाता हूँ वीडियो के, तभी यहाँ पोज कर देता हूँ, मैंने इसको पिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक कर लेता हूँ। मैं इस हार्ड डिस्क को ये वाला बॉक्स हटा के इसे कनेक्ट करता हूँ और फिर देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। थोड़ा सा मैं ये हार्ड डिस्क को वो यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, फिर आपको पीसी के अंदर दिखाऊंगा कि रन हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए तो ओपन हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही इजी तरीके से अपनी हार्ड डिस्क है वो घर पे भी ठीक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।